नमो बुद्धिया साथियों, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से आज दिनांक 26/5/2021 को बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और आज इसी तरह नालंदा बौद्ध बिहार राहुल नगर ITI समोस चूना भट्टी मुंबई में भी मनाया गया। यहाँ पर आज इस बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है और यहाँ पर इस मूर्ति का उद्घाटन भी किया गया है। और यहाँ पर कुछ बौद्धाचार्य लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आप लोग किस तरह से ये कार्यक्रम को सफल बनाए हैं, क्योंकि इस समय कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, हर कोई दूर दराज से आ भी नहीं सकता है। जो भी हैं यहाँ पर कुछ सरकार द्वारा गाइडलाइन दिया गया है, उसी के तहत काम करना है। तो और सबके चेहरे पर यहाँ पर मार्क्स भी दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर बौद्धाचार्य जी से जानकारी लेना चाहता हूँ कि आज इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सर, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मंगेश बाल अड़सुड़े, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा या संस्था का मैं बौद्धाचार्य हूँ और एक धम्म प्रचारक करके मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये जो नालंदा बुद्ध विहार की जो कमेटी है और भारतीय बौद्ध महासभा की जो कमेटी है, वो दोनों ने मिलके नालंदा बुद्ध विहार में आज तथागत भगवान बुद्ध की 2662वीं जयंती इतना कोरोना के प्रादुर्भाव के वजह से कुछ किने जिने लोगों के साथ आज यहाँ पे एक सुंदर तरीके से आज भगवान बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना आज यहाँ पे की गई है। आज जो मूर्ति का जो दान दिया हुआ है, मूर्ति जिन्होंने सप्रेम भेंट दी हुई है, वो आदरणीय पुष्पादाई समाधान जाधव, एक छोटा सा एक परिवार है, एक किसान परिवार है, छोटी सी गवर्नमेंट नौकरी है, उस नौकरी के ऊपर उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संदेश है कि आप अपने कमाई का हिस्सा, बिसावा हिस्सा आप समाज को देना चाहिए, वो संदेश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपने मन में उतार के उन्होंने एक संकल्प किया हुआ है कि मैं अपने परिवार की तरफ से या जितने भी मतलब महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या यूपी हो, बिहार हो, कोई भी स्टेट में हो, जिनको भगवान बुद्ध की, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, माता रमाई की मूर्ति जिनको चाहिए, उनको मैं दान स्वरूप से मैं दे दूंगा। ये संकल्प उन्होंने 100 मूर्ति दान करने का जो संकल्प किया हुआ है, उस संकल्प का आज वो तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति
यहाँ पे नालंदा बुधवार में जो दी है वो मूर्ति 23 मूर्ति मतलब 23 मूर्ति आज तक उन्होंने दान स्वरूप से नालंदा बुधवार को दी गई हुई है। उनका जो योगदान है, उनका जो ये संकल्प है, उस संकल्प का कारण ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बताया गया है कि आप प्रबुद्ध बनना चाहिए। प्रबुद्ध बनना मतलब आप निर्व्यसनी रहना चाहिए, आपको नशा नहीं होना चाहिए। इस देश में कोई भी नागरिक व्यसनाधीन से वो अलिप्त रहना चाहिए, वो अंधश्रद्धा से अलिप्त होना चाहिए, उसमें अंधश्रद्धा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मेरा देश के लोग, मेरा एक एक लोग इस देश का आर्थिक दृष्टिया और संकल्प एक सक्षम होना चाहिए। अगर वो आर्थिक दृष्टिया सक्षम होना चाहिए उसके लिए उसको त्रिशरण पंचशील का पालन करना जरूरी है। अगर त्रिशरण पंचशील का पालन करना है तो उसको बुद्ध विहार में आके भगवान बुद्ध के सामने वंदन करके उसको अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ चलाना चाहिए। जो आदमी निर्व्यसनी होगा, जो आदमी अंधश्रद्धा मुक्त होगा, वो आदमी 100% वो आर्थिक दृष्टि सक्षम हो जाएगा। इस बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रबुद्ध विचारधारा की जो संकल्पना है, आदमी प्रबुद्ध होना चाहिए, विचारों से वो प्रबुद्ध होना चाहिए। वो संकल्पना को पूरा करने के लिए यहाँ पे समाधान जाधव इन्होंने तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति नालंदा बुद्ध विहार में जो दी है, यहाँ के लोग वो बुद्ध को नतमस्तक हो के वंदन करके यहाँ से अंधश्रद्धा मुक्त और व्यसना मुक्त यहाँ पे जो लोग हैं वो 100% एक आर्थिक दृष्टि सक्षम हो जाएंगे। ये यहाँ पे इनका देने का जो मकसद है वो यही है कि मेरा समाज ये अंधश्रद्धा से मुक्त हो, आर्थिक दृष्टि सक्षम हो, यही उनका एक संकल्प है। और वो संकल्प को लेके आज का 23वां मूर्ति यहाँ पे प्रतिष्ठापना की गई है। और नालंदा के जितने भी कमेटी के मेंबर है, भारतीय बौद्ध महासभा के जो मेंबर है, उन्होंने अच्छे से उन्होंने यहाँ पे रथ में भगवान बुद्ध की मूर्ति की मिरौनक निकाली है और आज भगवान बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की हुई है। और यहाँ से आज से यहाँ पे बुद्ध वंदना से लेके लोगों को धम्म प्रचार प्रसार करने का यहाँ से एक अच्छा काम यहाँ पे नालंदा बुद्धवार ने किया हुआ है। मैं उनको भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से उनको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। और सभी भारतीयों को नहीं कि पूरे देश, पूरे जग, पूरे दुनिया में तथागत भगवान बुद्ध के जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर लाख लाख हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ और आपको सबको यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ। जय भीम।